हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी ड्राई झींगा बनाना। इसके पहले की रेसिपी में मैं आपको ग्रेवी झींगा बताई थी, आज मैं आपको बताऊंगी कि ड्राई झींगा किस तरह से बनाते हैं। तो ड्राई झींगा के बनाने के लिए हमने पहले झींगा देखे ले लिया है, साफ कर लिया उसको, और इसमें ये प्याज, टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट, लाल मिर्ची, हल्दी और नमक, बस इतनी ही चीज़ों से हमको ये तैयार करना है। तो हमने कढ़ाई रख दिया गर्म होने के लिए, कढ़ाई हमारी गर्म भी हो चुकी है। मैं इसके झींगे को डाल के थोड़ी देर के लिए सेकूंगी। ये देखिए, हमने झींगे को 2 मिनट तक के सेक लिया है। मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसको नीचे उतार लूंगी। एक झींगा जो हमने अभी सेका है, अब इसको मैं गर्म पानी में डालूंगी। ये हमने गर्म पानी करके रेडी रखा है, अब मैं इसमें डालूंगी। इससे क्या होता है कि झींगे के अंदर की जो खुशबू होती है वो निकल जाती है, बहुत ही कम खुशबू रह जाती है। झींगे को मैं बस 2 मिनट के लिए पानी में रखूंगी, उसके बाद इसको छान लूंगी, पानी से बाहर निकाल लूंगी। तब तक मैं इधर, हमने ये कढ़ाई रख दिया है, उसमें तेल भी डाल दिया है। अब ये हमारा तेल भी लगभग गर्म हो चुका है, मैं इसमें डालूंगी प्याज। प्याज को लाइट ब्राउन होने तक के इसको मैं तलूंगी। प्याज लाइट ब्राउन हो गई है, अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर। इसमें कटे हुए टमाटर, इसमें नमक और मिर्ची पाउडर डाल दूंगी। इसको मैं बंद करके सिर्फ 1 मिनट तक के बनाऊंगी। देखिए टमाटर अच्छे से गल चुका है, इसको मैं तोड़ दूंगी इस तरह से। टमाटर देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब जो झींगा है हमने जो पानी से निकाल के रखा छान के, अब इसमें मैं मिक्स कर दूंगी इसको। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब इसको मैं एकदम से स्लो आंच पे 2 मिनट के लिए बंद करके बनाऊंगी। तो 2 मिनट हो चुके हैं, मैं गैस को बंद कर दी हूँ। मैं इसे प्लेट में निकाल लूंगी। देखिए मेरा झींगा तैयार हो गया है। इसी तरह से आप भी बनाइए, बनाना बहुत ही ईजी है।
और अगर जो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आधा घंटा है ही नहीं।